आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बैटरी है 2 वोल्ट ईएमएफ की, उसे एक ब्लॉक ऑफ लेंथ 0.17 की जो सेमीकंडक्टर है उससे कनेक्ट किया गया है, ओके? और ये लेंथ है 0.1 और बाकी डेटा हमें दी गई है, तो हमें इलेक्ट्रॉन और होल करंट निकालना है। तो हमसे ये भी पूछा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट इफ जर्मेनियम इज यूज इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन, ओके? तो पहले तो क्या है कि जो अपने पास इंट्रिंजिक सिलिकॉन है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, तो उसके द्वारा निकालना है करंट, फिर हमने जर्मेनियम के द्वारा निकालना है, और ये बताना है कि जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन यूज करें, सॉरी जर्मेनियम यूज करें सिलिकॉन की जगह, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले जो होती है करंट, जो होल करंट होता है, होल करंट क्या होता है, E n h a into μh into इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है होल करंट। उसी तरह से जो अपना जो इलेक्ट्रॉन करंट है वो क्या होता है, वो होता है E n e a μe into इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस हमें पोटेंशियल और जो डिस्टेंस है वो पता है। तो देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता है और ये डिस्टेंस पता है अपने पास, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कैसे, वी बाई एल से, ओके? तो इसको हम लिख देते हैं ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10^-19 इंटू 1 इंटू 10^-4 इंटू 1.5 इंटू 10^16। ये कैलकुलेट कर रहा हूं किसके लिए, ये कर रहा हूं मैं अभी सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ओके? सिलिकॉन के लिए मैं ये भी कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, तो ये अपने पास हमने μh की वैल्यू पुट कर दी और अब मोबाइलिटी भी पुट कर दी, और बचा अपने पास क्या, E की वैल्यू क्या पुट करनी है, E की वैल्यू पुट करनी है अपने को 2/0.1। ये वोल्टेज कितना है, ये 2 है, और ये कितना है, ये 0.1 है, तो ये हो गया 2/0.1, ठीक है? तो ये जो वैल्यू आती है अपने पास, ये आती है 2.304 इंटू 10^-7, मतलब होल करंट आ गया है अपने पास ये। अब अपन इलेक्ट्रॉन करंट निकालते हैं, तो ये आएगी 1.6 इंटू 10^-19 इंटू 10^-4 एरिया है, 1.5 इंटू 10^16, ये अपने पास कंसंट्रेशन 0.135, ये अपने पास ये जो 0.135 है, ये बेसिकली जो मोबाइलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो है, ओके? यहाँ पे 0.048 था, नॉट 48, 0.048, ओके, 0.048। और जो उसके बाद अपने पास E है वो हो गया 2/1, तो ये वैल्यू आती है 6.48 इंटू 10^-7, ठीक है? तो अपने को होल करंट और इलेक्ट्रॉन करंट आ चुका है, और जो टोटल करंट होगा वो होगा होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट का सम, दोनों ही एम्पियर में, ओके? तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2.304 प्लस 6.48 इंटू 10^-7 एम्पियर। तो इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 8.78 इंटू 10^-7 एम्पियर। तो ये आ गया है सिलिकॉन से जो नेट करंट है वो, ओके? अब हम जर्मेनियम से निकालते हैं, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, इसकी वजह से सेम चीजें निकालनी है अपने को, IR और IH। तो पहले IH निकालते हैं, तो IH क्या हो जाएगा, IH हो जाएगा ENH, A, μH और E, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.6 इंटू 10^-19, A की वैल्यू 10^-4, और जो μH की वैल्यू है 0.19 है,
ओके, और ई की वैल्यू हो गई 2/0.1, तो ये आता है 1.45 × 10⁻¹⁶ एम्पियर। ओके, और अगर हम इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन करंट निकाले तो ये आ जाएगा E (NE)A μe (इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻⁴ - 19 × 10⁻⁴ - 4 × 2.4 × 1.4। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।